थर्ड चैप्टर। देखो टू चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, टू चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड चैप्टर है हमारा तारोज रिवॉर्ड। सेकंड चैप्टर के कल क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए थे, तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। तारोज रिवॉर्ड, तारों का इनाम, रिवॉर्ड मतलब इनाम। क्या है इस चैप्टर में? देखो बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी, ये कहानी है अबाउट ए थॉटफुल। थॉटफुल होता है सोचना, ठीक है, एक बहुत ही जो सोचता है किसी चीज के बारे में, विचार करता है, एंड लविंग सन, और एक बहुत ही प्यारे बेटे की है। तो एक लविंग सन है, एक बहुत ही सोच विचार करने वाला बेटा है, उसकी ये कहानी है। ही वर्क्स हार्ड व कठिन मेहनत करना है करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने की वह पूरी कोशिश करता है, एंड गेट्स, और प्राप्त करता है सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कुछ अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड होते हैं जिसकी उम्मीद नहीं करते, ऐसी सहायता उसे मिलती है। किसके बारे में ये कहानी? एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बहुत ही लविंग है, बहुत ही सोचता है, और वो बहुत कठिन मेहनत करता है। क्यों कठिन मेहनत करता है? ताकि वह अपने पेरेंट्स की विशेष को कंप्लीट कर सके, उनकी इच्छा को पूरी कर सके, और उसे एक सहायता भी मिलती है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। तारोज रिवॉर्ड, तारों का इनाम। ए यंग वुड कटर, एक युवा वुड कटर था नेम्ड तारो, जिसका नाम तारो था। ए यंग वुड कटर नेम, जिसका नाम तारो था, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर। वह अपने माता पिता के साथ रहता था ओनली लोनली हिल साइड। लोनली मतलब अकेले, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में। वो अकेला पहाड़ी क्षेत्र में अपने माता पिता के साथ रहता। वुड कटर किसको बोलते हैं? वुड कटर को हिंदी में लकड़हारा बोलते हैं, ठीक है, जो लकड़ी काटने का काम करता है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही चॉप्ड, चॉप्ड मतलब काटना, कट करना, वह काटता है। देखो कट इंटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वुड लकड़ियों को इन द फॉरेस्ट जंगल में, पूरे दिन वह लकड़ियों को छोटे छोटे पीसेस में काटता है जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड, दो हालांकि, ठीक है, हालांकि वह बहुत कड़ी मेहनत करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन फिर भी वह बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता है। दिस मेड हिम सैड, और ये बात उसे बहुत दुखी करती है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो क्या था, एक बहुत ही सोच विचार करने वाला बेटा है, एंड वांटेड, वह चाहता है टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, कि वह अपने बूढ़े माता पिता को एवरीथिंग दे नीडेड, कि वो अपने माता पिता को प्रत्येक वो चीज दे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। नीडेड मतलब आवश्यकता। वो क्या है, बहुत सोचने वाला लड़का है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने माँ पापा के प्रति। तो वो क्या चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स की हर इच्छा पूरी करे, उन्हें वो प्रत्येक चीज दे जिनकी उन्हें जरूरत है, जिनकी उन्हें आवश्यकता है। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे थे, अपने माता पिता के साथ झोंपड़ी के कोने में बैठा है, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही मजबूत हवा बहने लगती है। विंड मतलब हवा, ब्लो मतलब बहना, एक मजबूत हवा, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, विसल्ड होता है बजने की आवाज, जैसे कोई चीज हिलती है, कोई चीज किसी के अंदर से निकलती है तो जो आवाज आती है ना, द क्रैक्स, क्रैक होता है छोटे छोटे जो गैप था, छोटी छोटी जगह बनी हुई थी। देखो क्रैक, नैरो गैप्स, ओपनिंग, यानी कि झोंपड़ी की दीवारों में या झोंपड़ी में कहीं कहीं क्या छेद बने हुए हैं, जगह है, तो उन छोटे छोटे छेद के अंदर से विसल थ्रो आवाज आ रही थी ऑफ द हट, झोंपड़ी के जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं उनके अंदर आवाज आ रही थी, कुछ बजने की आवाज आ रही थी। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक बहुत ठंडे हो गए, ठीक है, क्योंकि ठंड लगने लगी सबको। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक से तारो के पिता ने कहा, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ शेक, कि मुझे एक कप शेक का मिल जाए। शेक यहाँ पर क्या है? शेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है, जापान के अंदर एक ड्रिंक ली जाती है, उस ड्रिंक को क्या बोला जाता है? शेक बोला जाता है। तो मुझे भी एक वो ड्रिंक मिल जाए, एक कप, इट वुड वार्म मी, यह मुझे थोड़ा गर्म महसूस करवाएगी, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा मन है वो भी थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। क्या वजह क्या है? एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, तो क्या है, उनके घर के अंदर से हवा की आवाज आने लगी, घर के टूटे हुए जो भी चीजें हैं या छोटे छोटे छेद हैं उनके अंदर से, तो उसके पापा की इच्छा हुई कि उसे क्या मिल जाए, एक कप शेक का मिल जाए।
थर्ड नंबर पॉइंट देखो, दिस मैड तारो सैडर देन एवर, इस बात से तारो बहुत दुखी हो गया, देन एवर अब से भी ज्यादा दुखी हो गया, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों हो गया? क्योंकि हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये मन को गर्मी देने वाली, मन को गर्मी देने वाली जो ड्रिंक थी, कोल्ड शेक, जिसको हम शेक बोल रहे हैं, वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी है। क्या है? बहुत महंगी है ये चीज। ही हाउ का आई अर्न मोर मनी, अब मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, अर्न मतलब कमाना, तो वो खुद सोचता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप से कहता है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे गेट ए लिटिल सेक, थोड़ा सा सेक ले आऊं फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे प्यारे पिताजी के लिए मैं वो थोड़ा सा सेक कैसे लेकर आऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने निश्चय किया कि वो और भी कठिन मेहनत करेगा जितने की वो अब कर रहा है। ठीक है, ही डिसाइडेड, वह निश्चय करता है टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना, देन बिफोर, आज से भी ज्यादा कठिन मेहनत करने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो जंप्ड आउट, उठ गया ऑफ बेड, अपने बेड से अर्लियर, जल्दी, अर्लियर मतलब जल्दी, जल्दी ही देन यूजुअल, जितना कि वो सामान्य उठता है, यानी कि रोज से वो जल्दी उठ गया। एंड मेड इज वे टू द फॉरेस्ट, और अपना रास्ता बनाया, यानी कि वो चला गया, कहाँ चला गया, जंगल की तरफ, उसने अपना रास्ता जंगल की तरफ बनाया, यानी कि तारो सुबह जल्दी उठ गया जितना कि रोजाना उठता है, और जंगल की तरफ गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और काटा, चॉप्ड एंड कट, फिर से काटा, एज द सन क्लाइम्ड, जैसे कि सूर्य चढ़ गया, यानी कि सूर्य चढ़ने से पहले ही वो लकड़ियां काट रहा था। एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जल्दी ही उसे गर्मी लगने लगी। ठीक है, पहले तो वो बहुत जल्दी चला गया, तो लकड़ियां काटता रहा काटता रहा, लेकिन जैसे ही सूर्य चढ़ा, यानी कि दिन निकल गया, सूर्य बहुत ऊपर आ गया, तो उसे गर्मी लगने लग गई। ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, उसका चेहरा गीला हो गया, उसका चेहरा गीला हो गया स्वेट, पसीने की वजह से, उसका चेहरा पसीने की वजह से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे प्यारे पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, काश वो भी उतने ही गर्म हो पाए जितना कि मैं हूँ, यानी कि वो भी खुद में इतनी गर्मी महसूस करे जितनी कि मैं कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचकर उसने शुरू कर दिया चॉप काटना, इवन फास्टर, और भी तेज, उसने और भी तेज लकड़ियाँ काटना स्टार्ट कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, वो सोच रहा था कि वो एक्स्ट्रा धन कमा लेगा, ही मस्ट अर्न, उसे कमाना ही होगा, टू बाय द स्टेक टू वार्म द ओल्ड मैनस बोन, ताकि वो अपने वृद्ध पिता की हड्डियों को गर्म कर सके। बोन मतलब हड्डियां। क्या है? उसने शुरू कर दिया काटना ज्यादा तेज गति से, ये सोच करके कि उसे अतिरिक्त धन कमाना है ताकि वो और पैसे कमा सके और अपने पिता की हड्डियों को गर्म कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 4 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर का जितना भी पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।